पहले विधानसभा से निकाला, फिर मंत्रिमंडल से निकाला और अब रायपुर के सांसद को योग दिवस के कार्यक्रम से भी निकाल दिया गया। विचारधारा और कार्यप्रणाली के आधार पर किसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन श्री बृजमोहन अग्रवाल जी एक वरिष्ठ राजनेता हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। उनका नाम इस निमंत्रण पत्र में ना होना रायपुर लोकसभा की जनता का भी अपमान है। अक्षय, अब सवाल आप मन से मैं सीधे तौर पर लूं कि वो आगिम नमक डाले काम का थे आगिम में आगिम क्यों डाले आगिम हाँ वही मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। आगिम में नमक डाले के काम मतलब हाँ हाँ मां नून डाले के काम हाँ और आगिम मां घी डाले काम। तो अब आप मतलब जो अभी मैं एक जो पोस्ट पढ़ के सुनाया ओला देख के आप मतलब का लगा थे, जख्मों में नमक के आगिम में घी के दोनों के मतलब एक ही निकला थे। अब देखो जिन अगर यही सवाल जिन राजनीतिक बारे में बात चला थे ओखल पूछे जाही तब वो बिल्कुल सिरे से बात ना खारिज कर दी। लेकिन एज ए मतलब राजनीति के मतलब थोड़ा बहुत हम भी विद्यार्थी हैं तो इतना समझ में आते कि यह एक तरीके से जख्म नमक डाले के काम है। लेकिन का सही दिशा में ये बात गए है एखर जवाब भी हमन आप मतलब आगे बताओ। जिन बात अभी पूजा बोली से वो जिन बयान है एक्सपोस्ट में जिन बयान आए है वो आए भूपेश बघेल के और काखर बर कहे गए है वो है ओ नाम है बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल के बारे में कहे गए है कि पहली तो एला विधायक विधायकी से निकाली ओखर बाद मंत्रिमंडल लेला छोड़े बर पड़ी मंत्रिमंडल से ला दफा दफा करेगी सही ऊपर बोलना है बोलना है हाँ। और एखर बाद अब जब योग दिवस हुआ थे ओमा एला अतिथि बना के नहीं बुलाएगी ये बात के एक एक जिन आमंत्रण जन पत्र है वो भी वहाँ शेयर करे है साथ ही साथ और कहे है कि भले मोर वैचारिक मतभेद है बृजमोहन अग्रवाल मेरन लेकिन वह वरिष्ठ राजनेता है और ओखर जन अपमान हो है। अब हमन तो कथित अपमान की बोल लेकिन काका कहते है कि अपमान ओखर हो है और ये अपमान रायपुर के जनता के अपमान है। लेकिन का वाकई में अपमान हो है ये बात ला थोड़ा सा समझे बर पड़ी। काबर आज योग दिवस रहे हैं वोट योग एक से एक चले है आज, आज बृजमोहन भूपेश बघेल घलो योग करे है और ओला तो भैया सुशासन करे घलो बात है हाँ, घलो योग करे है जितना धुरंधर नेता है तेमना आज योग करे है। बघेल भले राजयोग से आज पीछे हो गए लेकिन ये योग में नंबर वन तो कम से कम अभी कह सका था मजदूर हम कभी योग देखे हो वहां भूपेश बघेल के योग जबरदस्त है। लेकिन फिर हम मुद्दा की बात करते हैं कि जिन बृजमोहन अग्रवाल लाल की जिन टिप्पणी आ है वो का कितना सही है। काबर की बृजमोहन अग्रवाल रायपुर में तो नहीं रही लेकिन ओला कांकेर बुलाया गया रही कांकेर में मुख्य अतिथि के रूप में बृजमोहन अग्रवाल रहे है। शायद हो सकत है कि बघेल जी लगे जानकारी नहीं रही या फिर हो सकत है कि बघेल जी चाहते हैं इसके राजधानी रायपुर में ही मुकैथि बनाया जाना चाहिए या फिर अतिथि के तौर में मतलब रहना चाहिए बृजमोहन अग्रवाल ला। ये तो खैर मंशा जिन हाँ बृजमोहन भूपेश बघेल अच्छी तरीके से ला जाना चाहिए। लेकिन ये है कि एक मुद्दा तो फिर मिल जाते और कका पीछू नहीं हटाए चुलकाए में पीछू नहीं हटाए। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल ये जिन पूरा जिन घटनाक्रम हो है जमा पहली तो विधायक बनी चुनाव जीतीस एक अच्छा खासा वोट से जीतीस ओखर बाद मंत्री बनाए गईस ओखर जितना संगवारी मंत्री रही जिन पिछला कार्यकाल में रमन सिंह के समय में ओमा के मानियो तो रामविचार नेताम है और कुछ कुछ मंत्री है तेन में बस वन रिपीट हो है। लेकिन ओखर जितना संज्ञा मान लो समय के राजेश मूढ़त होए अमर अग्रवाल होए इनकर कोई रिपीट नहीं हुई अकेला बृजमोहन अग्रवाल। अब बृजमोहन अग्रवाल कुछ समय ही बस हो पाए मंत्री बने अब ओला एक हो सकता है सब्ज बाग दिखाया गया सो है कि भैया आपला लोकसभा चुनाव लड़ना है और कहीं ना कहीं तो मन में बिल्कुल बात रही सो है ओखर नहीं रही सो है तो जिन आम जिन समर्थक है जिन बीजेपी के कार्यकर्ता है या फिर जिन रायपुर की जनता है छत्तीसगढ़ के भी जनता ये मन मान के चलत रही कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो बृजमोहन अग्रवाल मंत्री बनी कामा केंद्र केंद्रमा। लेकिन जिन समीकरण ऐसे बैठी कि बीजेपी अपन दम सरकार नहीं बना पाईस और अभी की स्थिति ये है माया मिली न राम टाइप की स्थिति बृजमोहन अग्रवाल के देख रहे मिला थे मंत्री के जिन पद रही राज्य में वो पद घलो गए
अब हालांकि एक बतौर सांसद वह दिल्ली में दिखी बैठी और आगे चल के का कुछ बन सकत है, कितना ब्रिजमोहन अग्रवाल एक दबाव बना सकत है कि अहूला कोई पद मिलना चाहिए, काबर की अभी 21 तो पद छत्तीसगढ़ के हिस्सा में आए हैं, राज्य मंत्री के पद तो खन साहूल जन मिले हैं, का ब्रिजमोहन अग्रवाल ला कोई मंत्री पद मिली तो फिर वो का स्वतंत्र प्रभार रही, काबर कैबिनेट मंत्री बने के चांस तो बहुत कम नजर आते हैं, वही बीच में मौका मिल जाते है कांग्रेस नेता मल्ला के इनखर वरिष्ठ नेता के तो इमन मन चुना लगा दिस टाइप के बात इमन करा थे, तो भूपेश बघेल के जन कमेंट है ठीक है योग दिवस में उतना फिट नहीं बैठीस, लेकिन जो उकर कहे के तरीका रहीस जन उकर इशारा रहीस तेन अही रहीस के ब्रिजमोहन अग्रवाल भोंदा गे, ब्रिजमोहन अग्रवाल भाजपा भोंद दिस, यही बात कहना पूजा। मैं अक्षय एक और सवाल का मतलब अगर राजनीति ला हटा दन एक कोती अगर खसका दन तक का वाकई ब्रिजमोहन अग्रवाल और भूपेश बघेल के बीच थोड़ा ज्यादा दोस्ती यारी वाले जो बात निकल के आते हुए का मैं काबर कहा था यूं मैं आप ला बता देता हूँ, भाई तोखन साहू ला बना केंद्रीय राज्य मंत्री, भूपेश बघेल एयरपोर्ट में आए सो पहला बयान ओखर कारी से कि भैया बधाई दे तुम्हें तोखन साहू ला, लेकिन योग्य जो व्यक्ति है ओखर अनदेखी करी से और बदला ले एक बात करी से कि बीजेपी सरकार बदला ले जान थे इसे की ओखर बाद दूसरा ओखर जो बयान आते आप मतलब सुरता हुई ब्रिजमोहन अग्रवाल कह रही से कि मैं विधायक की पद से अगर इस्तीफा दे घलो दूं तो 6 महीना मंत्री पद में रह सकता हूं, अब ओखर ये बात में बकायदा काका घलो मुहर लगाए रिस की हां बोलत तो सही है कि वो 6 महीना मंत्री पद में रह सकते, मतलब ओखर बात लो समर्थन मतलब कटाक्ष में नहीं देख पाए हूं अभी तक। देखो एकर पीछे आओ एक चीज है, दोस्ती यारी तो खैर मैं बहुत ज्यादा नहीं समझ पाता हूँ कि दोनों के बीच में हवा है, काबर की पिछला जन रिकॉर्ड रहे है एमा तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता एक संग बैठत नहीं रहीन, जिन 5 साल खास करके भूपेश बघेल के रहे है तेमा एक बहुत दूरी देखे और मिले है बड़े बड़े नेता मन के बीच में, ब्रिजमोहन अग्रवाल के कई ठन बयान आई उस समय जिन समय भूपेश बघेल के शासनकाल रही तो ये बात ही बोले गई कि गुंडा कौन है तो हम सब जानथन, ऐसा भी बयान भूपेश बघेल डाल ले आए हैं, और मैं तो बोलता हूँ राजनीति ऐसे है ना कि जेन डाल ले फब जाते आदमी ला सूट कर दे वो बयान दे देते थे, अब अगर मान लो ब्रिजमोहन अग्रवाल ला मंत्री बनाया जाती तब भूपेश बघेल तो यही बोल सकत रही बोलती ना फिर के देखा हस साहू कोई मंत्री नहीं बनाईस अग्रवाल ला बना दीस, तो ये राजनीति है, राजनीति में बयानबाजी जिन नॉर्मल बयानबाजी है ना आरोप प्रत्यारोप वाला इला बहुत ही ज्यादा गंभीरता से नहीं लिए जाए, इला सिर्फ एक तरीके से इला हम सियासी मनोरंजन बोल सकते हैं जिला पास करना है, जिन असली राजनीति है तेन होते अक्सर कोई भी नीतिगत मामला में कोई भी बड़े बड़े जिन जैसे मान लो आज नीट के मामला चला थे एमा अगर कोई गंभीरता से बयानबाजी करी जाही तो मान जाए कि भाई अच्छा राजनीति है, बाकी व्यक्तिगत रूप से अगर कोई भी छीटा खसी हो थे कोई आरोप प्रत्यारोप हो थे चुटकी लिए जाते तो ये सब हर एक तरीके से बेरा पहाय के तरीका है टाइम पास पॉलिटिकल टाइम पास ओला हम बोल सकते हैं। बिल्कुल तो अब वो बयान के का मतलब है जो कटाक्ष है कका लगातार एक उठा मौका यहाँ पर नहीं छोड़ा थे वो लगा थे कि हारे के बाद कका अपन आप अभी चार्ज कर रहे थे अवैया 5 साल बाद एक वजह से जत का भी मौका मिला थे और अपन कोतिले बयानबाजी जरूर दे थे, तो आप मन के कका के पोस्टर लेके का कुछ विचार है आप मन रख सकते हो, अखर अलावा कोई और समस्या कोई और मुद्दा जो हमें चर्चा करना चाहिए ओला भी आप मन बेझिझक रख सकते हो संगवारी हो, तो ये चर्चा में अतका ही छत्तीसगढ़ ले जुड़े तमाम खबर ले अपडेट रहे बर देखत रहो छत्तीसगढ़ तक और मोला मोर सहयोगी अक्षय लदोविदा जय जोहार नमस्कार।